بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيز طلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداية أخيرين جلد ثالث کا ये छठा सबक है बाबुल यमीन का। एक सबक हो चुका है, किताबु दावा के चार असबाक हो चुके हैं। आज की इबारत, मतन की इबारत जो इमाम कुदूरी ही की इबारत है, पहले इबारत सुने। ولا تقال ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق وبينة الخارج اولى। इबारत का मतलब समझने से पहले तीन इस्तिलाह को हम समझते हैं, अच्छी तरह सुने, गौर से सुने। पहली इस्तिलाह खारिज और साहिबुल यद ज़ुलियत की है। खारिज जब बोला जाए तो उससे मुराद होता है ऐसा शख्स जिसका माल पर कब्जा ना हो। साहिबुल यद ज़ुलियत बोला जाए तो वो शख्स मुराद होता है जिसका माल पर कब्जा हो। काबिज शख्स साहिबुल यद है, गैर काबिज शख्स खारिज है। एक इस्तलाह हुई। दूसरी इस्तलाह समझे मिलके मुतलक और मिलके मुकय्यद की। यह भी फुकाह की एक इस्तलाह है। मिलके मुतलक का मफहूम यह होता है कि कोई आदमी मिलकियत का दावा करे, मिलकियत को बयान करे, उसका कोई सबब जिक्र न करे कि किस तरह उसकी मिलकियत हुई है, इसको मिलके मुतलक बोला जाता है। और मिलके मुकय्यद में यह है कि मिलकियत बयान करने के साथ साथ मिलकियत का सबब भी बयान करते, ये मिलके मुकय्यद है। ये दूसरी इस्तलाह हुई। मिलके मुतलक मिलकियत को बयान करे, उसका सबब जिक्र न करे। मुतलक यानी आज़ाद है सबब से वो, जिसका सबब जिक्र नहीं किया गया। मुकय्यद जो मिलकियत बयान की गई और साथ साथ उसको सबब के साथ भी मुकय्यद कर दिया गया। एक तीसरी इस्तलाह और जिसका ताल्लुक असल शरह से है कि तासीस और ताकीद। तासीस का मतलब होता है कि ऐसी बात, ऐसी चीज जिससे कोई नई बात साबित हो, तासीस। और ताकीद का मतलब ये है कि जिससे पहले कोई बात साबित हो और उसको फिर मुअक्कद और पुख्ता कर दिया गया। पहले मफहूम को मुअक्कद करना, पुख्ता करना, ये ताकीद है। और अव्वलन नए तौर पर किसी मफहूम को बयान करना तासीस कहलाता है। ज़ाब्ता है यहीं से फुकहा का, उसूलियीन का। अत्तासीस अवला मिन अत्ताकीद, तासीस अवला है ताकीद से। हर वो इबारत जिससे कोई नई बात समझ में आ रही है, नया मसला, नई चीज़ समझ में आ रही है, उसको तरजीह दी जाएगी उसके मुकाबले में जो ताकीद है। चूँकि ताकीद से कोई नया मफहूम साबित नहीं बल्कि पिछले मफहूम को मुअक्कद और पुख्ता कर दिया जाता है। ये तीन इस्तलाह आप अच्छी तरह समझे रहें। पहली इस्तलाह थी खारिज और साहिबुल यद की, दूसरी इस्तलाह मिलके मुतलक और मिलके मुकय्यद की, तीसरी इस्तलाह तासीस और ताकीद की। ये तीनों इस्तलाह आपने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया। अब हम मतन की इबारत को समझते हैं।
متن میں امام قدوری رحمت اللہ علیہ ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں. ایک سامان ہے جس پر دو شخص دعویٰ کر رہے ہیں، ایک شخص کے قبضے میں ہے اور دوسرا قابض نہیں ہے، ایک صاحب الید ہے اور ایک خارج ہے. دعویٰ دونوں اپنی ملکیت کا کر رہے ہیں اور ملک مطلق کا دعویٰ کر رہے ہیں، دونوں ہی ملکیت کا سبب نہیں ذکر کر رہے ہیں، دونوں دعویٰ کر رہے ہیں، قابض بھی اور غیر قابض بھی. دونوں کے پاس بینہ اور گواہ موجود ہے. سامان ایک، مدعی دو، ایک قابض ہے دوسرا غیر قابض ہے، دونوں بینہ پیش کر رہے ہیں. اب کس کے بینہ کو قبول کیا جائے گا؟ قاضی کس کے بینہ کو قبول کیا جائے کرے؟ امام قدوری فرما رہے ہیں اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، احناف کا مسلک یہ ہے، خارج شخص کا بینہ قابل قبول ہوگا، خارج شخص کا بینہ قابل قبول ہوگا. جو صاحب ید ہے، قابض ہے، اس کا بینہ قاضی قبول نہیں کرے گا ملک مطلق کے سلسلے میں. احناف کا جو یہ مسلک ہے کہ خارج کا بینہ قابل قبول ہوگا، صاحبیت کا بینہ قابل قبول نہیں، اصل یہ اسی ضابطے سے ہے جو ابھی آپ کو بتایا کہ التأسیس اولا من التاکید، کہ تاسیس اولا ہے تاکید سے، تاسیس اولا ہے تاکید سے. چونکہ خارج اس کا قبضہ ہی نہیں، اس کے بینہ کے ذریعے ایک نئی بات ثابت ہو رہی ہے، اس کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے. اور جو شخص صاحب ید ہے، قبضہ کیے ہوئے ہے، صاحب ید ہے، اس کے قبضے سے تو اس کی ملکیت خود سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے بینے سے کوئی نئی بات ثابت نہیں ہوئی، تو صاحب ید کا بینہ تاکید کا درجہ رکھتا ہے اور خارج شخص کا بینہ تاسیس کا درجہ رکھتا ہے. اور ضابطہ آپ نے سن لیا ہے، التاسیس اولا من التاکید، تاسیس اولا ہے تاکید سے. اس لیے اس صورت میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ بینہ الخارج اولا، لا تقبل بینہ صاحب الید، صاحب ید کا بینہ قابل قبول نہیں ہوگا ملک مطلق میں. ملک مطلق بتایا جا چکا ہے وہ جس میں ملکیت تو بیان کی جائے لیکن ملکیت کا سبب نہ ذکر کیا جائے، صاحب ید کا قبضہ بینہ قابل قبول نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اس کا بینہ تاکید کی حیثیت اور تاکید کا درجہ رکھتا ہے، اور خارج شخص کا بینہ اولا ہے، زیادہ بہتر ہے، خارج کا بینہ قابل قبول ہوگا. چونکہ خارج کا جو ہے جس کا قبضہ نہیں ہے، اس کے بینہ سے ایک نئی چیز ثابت ہوگی، اس کی ملکیت ثابت ہوگی، اور ضابطہ یہی ہے، التأسیس اولا من التاکید. اس ضابطے سے خارج شخص کے بینے کو قبول کیا جائے گا. یہ احناف کا مسلک ہے. اس مسئلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، صاحب ید قابض شخص کا بینہ قبول کیا جائے گا، اور ان کی اس سلسلے میں دو دلیل ہیں. قابض شخص کا بینہ قابل قبول ہوگا، دو دلیل. ایک دلیل تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے، قبضہ اس کی تائید کر رہا ہے. جب اس کا قبضہ ہے تو اس سے تو ملکیت ثابت ہو ہی رہی تھی، جب گواہوں نے گواہی دے دی تو اس کی تقویت ہو گئی، اس لیے لاعتضادها بالید، قبضے کی وجہ سے اس کو تقویت مل گئی اس کے بینہ کو. وقال الشافعی رحمہ اللہ یقضى ببینة ذی الید لاعتضادها بالید فیقوى الظہور، لہذا ظہور قوی ہو جائے گا اس بینے کی وجہ سے، اور صاحبیت کے بینہ کو قبول کر لیا جائے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی پہلی دلیل تو یہ ہے، قبضہ سے تو ملکیت ثابت ہو رہی تھی، بینہ کی وجہ سے اس کی اور تائید ہو گئی، تقویت ہو گئی، اور معاملہ قوی اور ظاہر ہو چکا، ظہور میں قوت پیدا ہو گئی. دوسری دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ملک مطلق والی ہے، اے ملک مقید والی ہے.
अगर मिलके मुकय्यद का दावा है तो उस सिलसिले में अहनाब भी फरमाते हैं कि साहिब यद का बयना काबिल कबूल होगा, खारिज का नहीं। मिलके मुकय्यद का अगर दावा है तो शवाफे कहते हैं जैसे आपने मिलके मुकय्यद में साहिब यद के बयना को कबूल किया है मिलके मुकय्यद में, तो इसी तरीके से मिलके मुतलक में भी साहब यद ही का बयना काबिल कबूल होगा। गोया कि उन्होंने मिलके मुतलक को कयास किया है मिलके मुकय्यद पर, मिलके मुकय्यद में साहब यद का बयना काबिल कबूल होगा। मिलके मुकय्यद पर जो कयास किया है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने, उसकी दो मिसाल भी यहाँ पर जो है मिलके मुकय्यद की मिसाल भी दी जा रही है, जिसका जवाब हम बाद में देंगे। लेकिन शवाफे मिलके मुकय्यद से इस्तदलाल करते हैं कि मिलके मुकय्यद में जब आप साहिबियत का बयना कबूल करते हैं तो मिलके मुतलक में भी कबूल करेंगे। मिलके मुकय्यद की कुछ मिसाल सुनिए। वसारा का नताज व निकाह वदावल मिल्क माल एताक अविल इस्तिलाद अविल तदबीर, ये चंद मिसालें हैं मिलके मुतलक की। नताज, नताज का मफहूम यह है कि आदमी दावा कर रहा है कि ये बकरी का बच्चा मसलन, गाय का बच्चा मसलन मेरा है, और वजह यह बयान कर रहा है कि ये बच्चा जो मेरा है मेरी बकरी से पैदा हुआ, ये गाय का बच्चा मेरा है चूंकि मेरी गाय से ये बच्चा पैदा हुआ। देखिए सबब भी बयान कर रहा है, मिलके मुकय्यद उसी को कहते हैं। मिल्क बयान करे तो मिल्कियत का सबब भी जिक्र कर दे। सबब उसने बयान कर दिया कि ये बच्चा बकरी का मेरा है चूंकि मेरी बकरी से पैदा हुआ, ये नताज मिल्के मुकय्यद का दावा है। निकाह का दावा है, कोई औरत है दावा कर रहा है कि ये मेरी मिल्कियत में है, और मिलके निकाह के जरिए मिल्कियत का सबब जिक्र कर दिया मिलके निकाह। ये सब मिलके मुकय्यद की मिसालें हैं। दावल मिल्क माले तक, एक गुलाम पर दावा कर रहा है कोई, ये गुलाम मेरा है और मैंने इसको आज़ाद किया माले तक, या ये कह रहा ये गुलाम मेरा है ये बांदी मेरी है और मैंने इसको उम्मे वलद बनाया है, साथ साथ ये भी दावा कर रहा है। इस्तिलात, इस्तिलात का मतलब है उम्मे वलद बनाना, या ये कह रहा ये गुलाम मेरा है और मैंने इसको मुदब्बर बनाया है, तदबीर का दावा है। ये मिसालें हुई मिलके मुकय्यद की, नताज, निकाह, दावे मिल्क यानी गुलाम है मेरा और मैंने इसको आज़ाद किया, ये बांदी है मेरी मैंने इसको उम्मे वलद बनाया, ये गुलाम मेरा है मैंने इसको मुदब्बर बनाया है। उम्मे वलद और मुदब्बर होना आपने फिका कुदूरी वगैरह में खूब पढ़ा होगा और जानते होंगे, उम्मे वलद का मतलब होता है वो बांदी जो आका के पास हो और आका की उससे औलाद हो गई हो। उम्मे वलद का मतलब होता है बच्चे की माँ। तदबीर मुदब्बर होने का मतलब भी आप जानते हैं, जिसको आका ने कह दिया कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है। ऐसा गुलाम जिसको आका ने कह दिया तू मेरे मरने के बाद, उस गुलाम को मुदब्बर बोला जाता है। ये मिलके मुकय्यद की जो चंद मिसालें आई हैं इस पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कयास करते हैं। अगर मिलके मुकय्यद का दावा दोनों शख्स करें, खारिज भी कर रहा है साहब यद भी कर रहा है, तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मिलके मुकय्यद में जैसे साहब यद के बयने को तरजीह दी जाती है, तो इसी तरीके से मिलके मुतलक में भी साहब यद के बयना को तरजीह दी जाएगी। यह हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। कन नताज व निकाह व दावल मिल्क, नताज का मतलब एक दफ़ा और समझे, ये बकरी का बच्चा मेरा है, नतजा के माना जन्ना पैदा होना, नतीजे का जाहिर होना यानी बच्चा है और ये मेरी बकरी से पैदा हुआ, निकाह से मुराद ये औरत मेरी मिल्कियत में है, मिल्कियत का सबब निकाह, या गुलाम पर मिल्कियत का दावा कर रहा है और सबब फिर आगे ये भी कह रहा है कि मैंने इसको आज़ाद कर दिया है, यह मेरी बांदी है और मैंने इसको उम्मे वलद बनाया, इस्तिलात तदबीर, ये मेरा गुलाम है मैंने इसको मुदब्बर बनाया है। इन तमाम सूरतों में अगर दो शख्स दावा कर रहे हैं, खारिज भी साहिब यद भी,
और दोनों मिलके मुकैद का सबब जिक्र कर रहे हैं तो तमाम अइमा, इमाम हनीफा भी कहते हैं रहमतुल्लाही अलैह, साहिब यद का बयना काबिल कबूल होगा, खारिज का नहीं। तो मिलके मुतलक में भी शवाफे फरमाते हैं, आपको यही कहना चाहिए साहिब यद का बयना काबिल कबूल होगा। ये हो गई इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दो दलील कि वो साहिब यद को क्यों तरजीह देते हैं उसके बयना को, एक तो कब्ज़ा उसकी तायीद कर रहा, दूसरी दलील मिल के मुकैद पर वो कयास करते हैं। अब अहनाफ की दलील सुनिए वलना से, अहनाफ की दलील वो बयान की जा चुकी है कि जब मिल के मुतलक का मसला है तो देखिए उसका कब्ज़ा है नहीं, जब बयना पेश करेगा खारिज शख्स उसके बयना और गवाह की वजह से उसकी मिल्कियत साबित होगी, तो मिल्कियत का साबित होना एक नई चीज़ है खारिज शख्स के लिए, और जो साहबियत है उसकी मिल्कियत तो कब्ज़े से समझ में आ रही है। तो खारिज का बयना अक्सर इस्बातन व इजहारन, खारिज शख्स का जो बयना है वो ज़्यादा साबित करने वाला और ज़्यादा जाहिर करने वाला है, क्यों, लेन कदर में असबत उलियत लायुस्बित हो बयनत ज़िलियत, इसलिए कि जितनी मकदार उसके कब्ज़े ने साबित किया है ज़िलियत का बयना उसको साबित नहीं कर रहा है, चूँकि ज़िलियत के का कब्ज़ा उसका कब्ज़ा ही उसकी मिल्कियत को साबित कर रहा था, लेकिन खारिज के बयने ने, खारिज शख्स के बयने ने एक नई चीज़ को साबित किया और वो क्या है, उसकी मिल्कियत। इसी मौके के लिए वो ज़ाब्ता सुनाया था आपको, अत्तसीस व अवला मिन अत्ताकीद, ये फुकाह का ज़ाब्ता है, उसूलियन का ज़ाब्ता है। तो खारिज शख्स का जो बयना है उसकी हैसियत तासीस की है, और जो ज़ुलियत है उसका बयना उसकी हैसियत ताकीद की है, और तासीस को तरजीह दी जाती है ताकीद के वक्त। ये जो साहबियत है उसकी मिल्कियत तो ज़ाहिरन कब्ज़े से साबित है, उसी को साहब हिदायत फरमा रहे, इदिल यदु दलील मुतलकिल मिल्क, इसलिए कि कब्ज़ा ही मिल्क मुतलक की दलील है, तो उसके बयने ने तो किसी नई चीज़ को साबित नहीं किया, इसलिए उसके बयने को काबिल कबूल, उसका बयना काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन खारिज के बयने ने चूँकि उसका कब्ज़ा है नहीं, उसके कब्ज़े ने एक नई चीज़ को साबित किया, उसको तरजीह दी जाएगी। हाँ, शवाफ़ हजरात ने मिल के मुकैद पर कयास किया था, उसका जवाब अहनाफ दे रहे बिखिलाफ़ नताज, इन मसलों का जवाब दे रहे हैं कि नताज वगैरह के मसले पर जो साबित किया वहाँ पर हमने जो साहबियत के बयने को तरजीह दी है अहनाफ ने, वजह क्या है, साहबियत के बयने को तरजीह देने का सबब जिक्र करें, जहाँ पर दोनों ने बयना पेश किया है, दोनों ने बयना पेश किया, साहिब यद ने भी बयना पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह, और खारिज शख्स ने भी बयना पेश किया, और दोनों मिल्कियत का सबब भी जिक्र कर रहे हैं, तो यहां पर दोनों बराबर हो गए। अब जब दोनों बराबर हो गए तो तरजीह की शक्ल इख्तियार की जाएगी, तरजीह की शक्ल ये हुई कि कब्ज़ा जिसका है उसके बयने को तकवियत मिल गई, बिखिलाफ नताज लिअन्न अल-यद ला तदुल्लु अलैह, बखिलाफ नताज के, इसलिए कि कब्ज़ा उसके ऊपर दलालत नहीं कर रहा है। यानी ये जो दोनों बयना यहाँ पर पेश कर रहे, एक बात और समझे नताज के ताल्लुक से कि मिल्के मुतलक के, मिल्के मुकय्यद के सिलसिले में जब दावा होता है तो मिल्कियत का जो बयना पेश करते हैं वो मिल्कियत का बयना होता है, वो नताज पर दलालत नहीं करता कि पैदा हुआ था उसके पास, बयना जो गवाह होंगे वो तो मिल्कियत को साबित करेंगे, लेकिन ये कौन जानता है कि ये उसकी बकरी से पैदा हुआ, तो गवाहों की गवाही ने नताज को नहीं बल्कि मिल्कियत को साबित किया। और यहाँ पर मिल्कियत के साथ ये दोनों सबब भी जिक्र कर रहे हैं, जो सबब है नताज पैदा होना, तो ये एक जो बात हुई नताज, इसके ऊपर गवाहों की गवाही दलालत नहीं कर रही है, इसलिए दोनों बराबर हो गए, मिलके खारिज भी और ज़ुलियत भी। अब जब दोनों बराबर हो गए तो हमने
ذلیت صاحبیت کو قبضے کی وجہ سے ترجیح دی ہے، اسی کو کا بخلاف نتاج کے، اس لیے کہ قبضہ اس کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہاں کہ یہ بچہ اسی کے پاس پیدا ہوا، قبضہ نتاج پر، قبضہ ملکیت پر تو دلالت کرتا ہے لیکن نتاج پر دلالت نہیں کرتا. وَقَدَا عَلَى الْإِعْتَاقِ وَأُخْتَيْهِ، اور یہی حال ہے اعتاق اور اس کی دونوں بہنیں، اس کی دونوں بہنوں سے مراد استیلاد اور تدبیر ہے. وَعَلَى الْوَلَا اِسَّابِتِ بِهَا، اور اسی طریقے سے جو ولا حق ولا پر جو اس کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، اعتاق کا جب کسی کے بارے میں دعویٰ کہے کہ یہ غلام میرا ہے میں نے اس کو آزاد کیا، تو در حقیقت اس دعوے کے پیچھے حق ولا کا دعویٰ پوشیدہ ہوتا ہے. حق ولا، حق ولا اس کو کہتے ہیں غلام سے آقا کو جو میراث ملے، اس کو حق ولا کہا جاتا ہے. تو غلام کے بارے میں جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ غلام میری ملک ہے تو میں نے اس کو آزاد کیا ہے، تو یہ آزادی کا جو دعویٰ کر رہا گویا حق ولا کا دعویٰ کر رہا ہے. حق ولا خارج شخص اپنے لیے چاہ رہا اور ذلیت اپنے لیے چاہ رہا ہے. الحمدللہ یہ عبارت پوری ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر سمجھا دے، سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.